सो है गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, फिलहाल मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ OnePlus Nord CE 2 5G के बारे में। क्या आपको इस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए? क्या आपको इस स्मार्टफोन के स्पेक्स बेटर देखने के लिए मिलते हैं? क्या आपको इस स्मार्टफोन की प्राइस और बेटर देखने के लिए मिलती हैं? इन सभी सवालों क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक, यस स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहें। बट उससे पहले चैनल पर नहीं होना तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके और प्रेस एंड लाइक जरूर करें, बिकॉज गाइस ऐसे हेल्पफुल कंटेंट वीडियो आपके डेस्क पर मिलते रहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर जो OnePlus Nord जो CE2 5G के डिस्प्ले सेक्शन की तरफ, तो 6.43 इंच का आपको यहाँ पर फुल HD प्लस आपको जो फ्लूड एमुलेट पैनल देखने लिए मिलता है, HDR10 प्लस एंड वाइड वन L1 का सपोर्ट आपको ओबियसली देखने लिए मिलता है, 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने लिए मिल जाता है। डिस्प्ले वाइज आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर आपको अच्छा खासा यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले सेक्शन है वो देखने लिए मिल जाता है। डिस्प्ले में आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की तरफ मूव करते हैं, गाइस फुल ग्लास देखने लिए मिलेगा। फ्रंट एंड रियर पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने लिए मिलेगा, यस 5 का प्रोटेक्शन देखने लिए मिलेगा। एंड रियर पर आपको OnePlus की ब्रांडिंग जो कि हर बार की तरह आपको यहाँ पर देखने लिए मिलते हैं, 3 कलर वेरिएंट में आपको ये देखने लिए मिलता है, ब्लैक ब्लू ग्रे में देखने लिए मिलेगा। तो गाइस, परफॉर्मेंस के लिए अगर आप इस टाइम कोई स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हो तो गाइस MediaTek Dimensity 900 5G वाला ये चिपसेट आपको देखने लिए मिलता है, यस जो कि 6nm FinFET टेक्नोलॉजी पर बना हुआ ऑक्टोकोर का एक 5G प्रोसेसर है, जहां पर आपको परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी देखने लिए मिल जाएगी यहां पर Dimensity के इस प्रोसेसर में। 2.4GHz की पिकलो स्पीड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 का जो वर्जन है वो देखने लिए मिल जाता है। साथ में GPU, यस गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए आपको GPU की बात रहे ना, तो गाइस माली G68MC4 का GPU LPDDR जो आपको जो 4x रैम टाइप एंड यहाँ पर आपको UFS 2.2 का लेटेस्ट स्टोरेज टाइप देखने लिए मिलता है, यस। साथ में गाइस कैमरा की तरफ मूव करता हूँ, गाइस कैमरा में आपको यहाँ पर जो 64 का प्राइमरी कैमरा, यस EIS के साथ, यस EIS का सपोर्ट देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको OIS होता तो और भी यहाँ पर आपको बेटर वीडियो एंड बेटर जो फोटो आप कैप्चर कर पाते, बट EIS भी यहाँ पर आपके लिए काफ़ी स्टेबल वीडियो आपको जो शूट करने में मदद करेगा। एंड यहाँ पर आपको 8 MP का जो अल्ट्रा वाइड 2 MP का जो मोनो कैमरा सेंसर देखने में मिलेगा, 4K 30fps पर VHA। एंड यहाँ पर आपको फ्रंट में टॉप लेफ्ट में आपको 16 MP का सेल्फी स्नैपर देखने मिलेगा, आपकी ब्यूटीफुल सी, यस ब्यूटीफुल सी फेस की आप वीडियो शूट कर पाओगे इससे। एंड यहाँ पर आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे वो भी आप यहाँ से अच्छी खासी वीडियो रिकॉर्डिंग एंड फोटो शूट आप कर पाओगे। एंड सेंसर, ऑल सेंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, फीचर्स भी कैमरा में भर भर के देखने लिए मिलते हैं, यस मैं आपको ये बता देता हूँ। बैटरी 4500mAh की बैटरी, 65W के फास्ट चार्जर, एंड बॉक्स में ही आपको चार्जर देखने मिलेगा, टाइप सी का पोर्ट देखने लिए मिलेगा। अदर सेंसर की बात करें तो गाइस आपको यहाँ पर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक एंड यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर देखने लिए मिलेंगे। सेंसर के डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरिएंट 8GB 128GB 8GB 256GB ये दो वेरिएंट में आपको ये देखने लिए मिलता है। एंड इसे बाय करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, तो अच्छे खासे ऑफर के साथ एक्चुअल प्राइस ये इस टाइम चल रही है उसमें आप जान सकते हो डिस्क्रिप्शन जाकर। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताना कि क्या आपको OnePlus Nord जो CE2 5G है वो आपको स्पेक्स वाइज कैसा लगा। एंड प्राइस तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है, वरना मैं बता दूं कि इस टाइम ये प्राइस चल रही है, फिर वो यानी और आपको थोड़ा डिस्काउंट ऑफर में कम देखने के मिले, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है, तो वहाँ से आज कैसे ऊपर के साथ आप इसके जाकर वहाँ से बाय कर सकते हो। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रेस एनालाइजर से करें, बिकॉज ऐसे ऐसे हेल्पफुल कंटेंट वीडियो आपके डेस्क पर मिलते रहते हैं। एंड गाइस मैं बताऊँ स्माइल।